मनोहरपुर प्रखंड के चिरिया ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनोहरपुर लॉ खान चिरैया के धोबिल माइन से मनोहरपुर जाने वाली सड़क पर रविवार को नक्सलियों ने सरकार विरोधी नक्सली पोस्टर चिपकाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराया, जिसे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। घटना रविवार की सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टर जब्त कर सर्च अभियान शुरू कर दिया। वहीं इस दौरान माइंस के समीप 2 दर्जन से ज्यादा लोड गाड़ियां घंटों तक खड़ी रही। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह धोबिल माइन से आयरन और लाद कर वापस आ रही गाड़ियों के चालकों ने माइन से लगभग 1 किलोमीटर दूर मनोहरपुर साइडिंग आने वाली सड़क के समीप नक्सलियों द्वारा चिपकाए गए पोस्टर बैनर देखे। इसके बाद गाड़ी चालकों ने उसी स्थान पर गाड़ी खड़ा कर इसकी सूचना माइंस कर्मियों को दी, जिसके बाद माइंस प्रबंधन से मामले की सूचना पुलिस को मिली। बताया जा रहा है कि रविवार तड़के माइंस जाने के दौरान पोस्टर नहीं थे, जबकि वापस आने के दौरान पोस्टर देखे गए, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि रविवार के सुबह ही नक्सलियों द्वारा पोस्टर चिपकाए गए हैं। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद संवेदनशील स्थान होने के कारण पुलिस व सीआरपीएफ का दल सर्च अभियान चलाते हुए मौके पर पहुंचा तथा पोस्टरों को जब्त कर लिया। इस दौरान लगभग 5 घंटे से ज्यादा देर तक लोड गाड़ियां खड़ी रही। वहीं माइंस क्षेत्र में नक्सली बैनर पोस्टर मिलने से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना, स्वच्छता को आदत बनाना है। Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम।